मैं फारूक अहमद वानी सरपंच टापनील से हूँ। हमारे साथ वह बहुत सारी पंचायतों के सरपंच आए हुए हैं और पंच हजरात हैं और लोग हैं। लोगों ने हमको इस बात पे मजबूर किया है कि अगर डिग्री कॉलेज जो गवर्नमेंट ने दिया है, हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं। अगर उस डिग्री कॉलेज को किसी सेंटर प्लेस जगह पे नहीं बनाते हैं तो हमने जी इसके बारे में प्रोटेस्ट करना है और हमने इसके बारे में जाके धरना देना है और हमने इसके बारे में जाके सटे लाना है। तो हम डीसी साहब को रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो हमारी बात को मानते हैं, सुनते हैं और हमें इंसाफ देना चाहते हैं तो डिग्री कॉलेज को किनारे की जगह से हटाकर हमें सेंटर प्लेस जगह में लाकर दिया जाए और हमको ये मौका बख्शा जाए, हमको ये मौका बख्शा जाए क्या हमारे बच्चों को भी घर से ही जाके उस डिग्री कॉलेज में तालीम मिल सके। जिन लोगों ने, खुद गर्ज लोगों ने वो उधर जगह जो तैनात की हुई है सैंकिंग एरिया में, वो तो हमें फिर उससे बेहतर है, हम उस डिग्री कॉलेज के लिए सिटे लाने के लिए तैयार हैं। हमें उससे बेहतर है डोडा, हमें हमारे बच्चों ने अगर डेरा वहां भी रखना है तो फिर हमें डोडा नजदीक आता है। मुझे अफसोस आता है जो डीसी साहब ने कहा क्या आपको डोडा नजदीक है कि ये नजदीक है, हमें नजदीक दूर डोडा है कि ये दूर है, हमें नजदीक फिर डोडा है, हमें वो नजदीक नहीं है जो अगर वो किसी किनारे पे बनाएंगे। मेरी चुनौती है डीसी डोडा को और एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नमेंट को, अगर इस कॉलेज को वो किसी सेंटर प्लेस जगह पे नहीं ले आते हैं तो हम इंशाल्लाह इसके लिए जान देने के लिए तैयार है। और इसका जो सेंटर प्लेस जगह है वो कलखनी और जहानी के दरमियान में है और इसके हक में है हम। और हम लोग अगर वो इसको उदी के लिए करते हैं तो हम लोग यहाँ की 11 पंचायतों के लोग वहाँ डोडा जाकर धरना देंगे और रोड को जाम करेंगे फिर इस बात को। मगर मैं गुलाम नबी भट्ट, सरपंच हल्का पंचायत चक्का A2 भड़तुन, कॉन्स्टिट्यूंसी रामबन का एक जिम्मेदार नुमाइंदा होने के नाते आपके माध्यम से डीसी साहब, डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा से ये मैसेज भेजना चाहता हूँ, उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कास्तीगढ़ सेंक्शन हुआ है उसकी जो स्पॉट देखी गई है, प्लेस देखी गई है, लोकेशन देखी गई है, वो हमारे जो ऊपर वाली बेल्ट की 11 पंचायत हैं, हम इसके अगेंस्ट हैं। क्यों है अगेंस्ट? जहां वो लोकेशन दिखाई गई है वो सरासर हमारे हिसाब से गलत है, वो सिंकिंग एरिया है, क्या कहते हैं, स्लाइडिंग एरिया है, सेंटर प्लेस नहीं है, सेंटर लोकेशन नहीं पड़ती है, हमारे बच्चों का अजाला उस तरीके से नहीं हो सकता है, वो ऑन द कॉर्नर ऑफ चिनाब ले गए हैं उसको। हमें इससे बेहतर है डोडा जाना, बटोत जाना, रामबन जाना, जम्मू जाना। हमें चाहिए, हमारे साथ अगर इंसाफ चाहती है गवर्नमेंट और खासकर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब डोडा, तो वो दोबारा से रीवेरीफाई करे इस चीज को और दोबारा तहकीकात करे, दोबारा इसकी पॉइंटिंग करे, दोबारा से एक दफा फिर से वो आके यहाँ लोकेशन देखें, लोगों के बात सुने, पंचेस सरपंचेस की बात सुने और एक ऐसी टीम बनाए जिसमें ऑफिसरान भी साथ हूँ, वो देखें, चेक करें जगह को, क्या जगह ये सूटेबल है, इट इज सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ GDC कास्तीगढ़ या नहीं। लेकिन कुछ मुफाद प्रस्त लोगों का गलत मैसेज हुआ है डीसी साहब को, हम इस बारे में प्रोटेस्ट जरूर करेंगे जो हम 11 पंचायती के लोग हैं, 11 पंचायती के सरपंचेस, पंचेस और अवाम है। मैं चक्का A2, मेरी अवाम 3,500 से ज्यादा है, मैं 3,500 अवाम को लेकर किसी रोड पे आ जाऊंगा या कोई और रास्ता देखना पड़े हमें। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं डीसी साहब को आपके चैनल के माध्यम से कि हम सब 11 सरपंचेस की ये आवाज है और हमारी तमाम आवाम की ये आवाज है कि इसको दोबारा से। आपने तो मुझे सरपंच बताया लेकिन नाम तो मैं खुद ही बताऊं और अपने पंचायत का भी और अपने पूरे कास्तीगढ़ ब्लॉक का, मैं ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हूं और सरपंच अपर मंदार पंचायत से हूं। मैं आज भी जस्ट दिया हुआ है गवर्नर साहब ने और मुझे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है वो हम इस बारे में दे रहे हैं कि हमारे कास्तीगढ़ में जनाब डीसी साहब ने परसों 2 तारीख को तशरीफ लाया, वहाँ पे आए, आपकी बंद हो गई है, और उन्होंने वहाँ पे डिग्री कॉलेज के बारे में बात रखी और लोगों की बात सुनी। मैं डीसी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे कास्तीगढ़ के इलाके में आकर डिग्री कॉलेज के 2 जगह पे सपाट किया, जो जमीन की तैनाती के बारे में लोगों ने वहाँ उनके पास जाकर बोला था कि आप खुद आइए वो जमीन की तैनाती जो है वो कीजिए, लेकिन कुछ लोग जो हमारे प्रॉपर
काश्तीगढ़ के साथी हैं, भाई हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने सिर्फ वहां पे डीसी साहब को अपनी ही बात अपने ही मुंह से बात की और हमारे जो ऊपर वाली बेल्ट जो है जिसमें हमारी 11 पंचायतें हैं बड़तुन से लेकर ललूर तक जो हमारी ऊपरली बेल्ट है इसमें हमारी 11 पंचायतों के लोग और पंच सरपंच आए हुए थे। तो वहां पे डीसी साहब से जब मैंने दो बार कोशिश की मिलने की, मैंने डीसी साहब का बहुत अच्छा स्वभाव देखा कि उन्होंने खुद जाकर जो जमीन पहले नंबर पे कांटोई में देखी, जो हमारे रिटायर फॉरेस्टर साहब जूट सिंह जी ने दी है और फ्री ऑफ कास्ट दी है, उन्होंने डोनेट की है उस जमीन को कॉलेज के लिए, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं। क्योंकि हमारे इस इलाका सराज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो जमीन को दान करते हैं, एक कनाल तो नहीं, उन्होंने तो लगभग 40 कनाल दान की है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं उनका भी। और उनके जो आगे एक ही लड़का है जो इस वक्त तहसीलदार है मेजर सिंह जी, और उनकी सोच भी इतनी अच्छी है कि उन्होंने उस जमीन के फ्री देने के बारे में हमारे इस डिग्री कॉलेज के लिए जगह जो है वो दी, इसका भी हम शुक्रगुजार हैं। मगर मुझे एक बहुत अफसोस है कि हमारे वहां के जो प्रॉपर काश्तीगढ़ के लोग जो हैं उन्होंने सिर्फ डीसी साहब को अपने अंदाज से मिसगाइड किया, इसलिए मिसगाइड किया कि वो चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज जो जगह वो सिलेक्ट करते हैं करा रहे हैं और डीसी साहब को मिसगाइड करके वो जगह जो है उनको यस करवाया, उसकी फिजिबिलिटी जो है वो मेरे हिसाब से अवाम के हिसाब से और कहीं लीडरान और कहीं हमारे जो बुजुर्ग या जो हमारे जियोलॉजी माइनिंग जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके दायरे में वो जगह जो है वो सिंकिंग पोर्शन है।